मेरा नाम कैलाश कुमार सिंघल है और मेरी एज 55 वर्ष लगभग है। मैं 33/3 मुरई मोहल्ला छावनी इंदौर में रहता हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम तो 3-4 साल से थी, लेकिन मेरे को मार्च अभी 2013 में मालूम पड़ा, क्योंकि मैं चलने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, भोजन भी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने एलोपैथिक डॉक्टर दिखाया। जब मैंने पेपर में पढ़ा, यहाँ दो के पेपर में पढ़ा कि यहाँ पर ऐसा माधवबाग हॉस्पिटल खुला है और आयुर्वेदिक है, और मैंने एंजियोग्राफी भी कराई थी, तो एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे बाईपास की सलाह दी। मैंने सोचा आयुर्वेदिक दवा चल के देखता हूँ। जब मैं आया, और यहाँ मैं एक बार नहीं 3-4 बार आया हूँ, और जब मैं पूरी तरह संतुष्ट हुआ तो डॉक्टर विकास साहब से अंतिम बार मेरी बात हुई, और उनकी बात से मैं सहमत होकर और मैंने यहाँ पर अपना 6 महीने भर्ती लेके ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे को कई लोगों ने बोला, मेरे मित्रों ने भी, कि भाई आप पहले से काफ़ी दुबले भी हैं और आप स्वस्थ दिख रहे हैं। और मेरे स्वयं ने भी मैंने महसूस किया कि जो मेरे को प्रॉब्लम चलने में, सांस भरने में थी या हाँफने में थी, तो उससे मैं बिल्कुल राहत महसूस हो गया है। जो मैं 1 किलोमीटर चलता था, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर में अब चल पा रहा हूँ, और ये करीब 1.5 महीने का ही प्रोग्रेस है। और इससे अच्छा मैं समझता हूँ आगे भी प्रोग्रेस होगा। और जो मेरे मार्च महीने में जीवन में ऐसा लगता था कि अब कितने साल की ज़िंदगी है, बीमार रहता हूँ, क्या है ये सब, अब ऐसा महसूस होता है कि नहीं, जितने साल भी रहूँगा स्वस्थ रहूँगा और अच्छे रूप में जीवन व्यापन करूँगा। मैं सभी का, यहाँ डॉक्टर्स का, स्टाफ का, यहाँ के अधिकारियों का, और माधवबाग हॉस्पिटल जो है उसका आभार व्यक्त करता हूँ। और कई लोग, मेरा यही कहना है कि लोग पहले यहाँ इलाज कराएं, चाहे कुछ दिन कराएं, लेकिन करा के देखें और अच्छा रिजल्ट आने पे उसे कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।